सबसे पहले राधे राधे टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे 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 राधे। राधे सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार के अंदर, और आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी है क्योंकि संडे के दिन भी आप अपना समय निकाल कर आए हैं। सच में बहुत दिल से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जो हमने टॉपिक रखा है एंजल कार्ड रीडिंग का, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक टॉपिक है, और इसमें हमें एंजल गाइडेंस मिलता है। बहुत सारी इसकी विस्तृत चर्चा आज हम इस वेबिनार में करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं मयूरा परब जी का। मयूरा परब जी एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, हॉलिस्टिक हीलर हैं, लामा फेरा मास्टर हैं, और भी बहुत कुछ, बहुत सारी हीलिंग की मॉडलिटी जानती हैं, और आज उन्होंने ये टॉपिक चुना है। तो उन्होंने एंजल हीलिंग की क्लास भी कराई हुई है, एंजल इन्वोकिंग की भी क्लास कराई हुई है। मयूरा जी बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने ये टॉपिक क्यों चुना सबको बताइए, अनम्यूट करके। राधे राधे, सभी को वार्म वेलकम वंस अगेन ऑन द स्टार्स एंड प्लेटफॉर्म। और सबसे पहले धन्यवाद मनीष जी एंड पुरुषोत्तम जी आपका कि जो ये सारा बहुत अच्छे से ये लोग संभाल रहे प्लेटफॉर्म को, जहाँ पे हम जैसे टीचर्स बहुत कुछ अलग अलग मोडालिटीज आप लोगों के लिए लेके आ सकते हैं। और आज जो हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा है एंजल कार्ड रीडिंग जो वर्कशॉप है। तो बेसिकली क्या है कि एंजल्स, आई थिंक एंजल का वर्कशॉप काफी लोगों ने किया रहेगा, एंजल्स का बारे में जानते रहेंगे, एंजल्स के बारे में सीखा रहेगा, बट एंजल कार्ड रीडिंग क्या है, तो ये थोड़ा अलग टॉपिक है जो हम लेके आए। जो मोडालिटी है इट इज मोर कनेक्टेड टू द हीलिंग एस्पेक्ट, ठीक है। अब एंजल्स नॉर्मली क्या होते हैं? एंजल्स होते हैं देवदूत, हमारे इसमें भाषा में कहा जाता है, फरिश्तों को कहा जाता है, जो हमारे कहीं ना कहीं हमें हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, हमारे जीवन में कभी हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें नहीं पता कि किसके पास हम जाएं और किसके पास हम बोले कि आगे का मेरा जो क्या मार्ग है, मैं कौन सा मार्ग अपनाऊं या किस तरीके या कौन से मोड़ पे मुझे जाना है। तो ये कभी कभी ऐसे मोड़ पे हम आ जाते हैं कि हमें नहीं पता कि किसके पास जाए। पेरेंट्स शायद कभी थे, अभी है नहीं आपके साथ, जो दोस्त थे वो आपके साथ है नहीं, तो ऐसे मोड में ऐसे सिचुएशन में किसके पास जाना चाहिए। तो एंजल्स जैसे देखा जाए तो हमारे पास पहले से ही सबके साथ मौजूद है, और एंजल्स हमारे सबके साथ पहले से ही मौजूद है। द ओनली रीजन वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट इज कि हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, बिकॉज हमने कभी वो सोचा ही नहीं कि एंजल्स नाम के ऐसे कुछ होते हैं जो ह्यूमन बींग्स नहीं है, जो हायर एनर्जीज है, हायर रियलम की एनर्जीज है, और हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम इनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं या पाएंगे, कि हमें नहीं पता होता है। पर कभी कैसे कहते हैं ना, हमारी कहावत है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, और इसके लिए वो क्या किया उसने, भगवान ने हर जगह एंजल्स बना के रखे हैं। तो एंजल्स हमारे जन्म के साथ जुड़े हुए हैं, हर एक इंसान का अपना हर एक कोई गार्डियन एंजल होता है, पर हमें वो पता नहीं होता है, और हम यहाँ इधर उधर उस जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पे एंजल कार्ड्स द्वारा क्या होगा कि एंजल्स कार्ड द्वारा आप इन एंजल्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पाएंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस एनर्जीज है जो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, जब भी आप उनको बुलाएंगे वो आपके पास आएंगे और आपको गाइडेंस देंगे, और वो गाइडेंस जो हमेशा 101% राइट रहेगा। इसमें आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि मैंने आपको मदद की तो तुम मुझे उसके बदले क्या दोगे, कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है एंजल्स की हमारे पास से। तो ये इन फरिश्तों के साथ हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं इन कार्ड्स द्वारा, तो हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे। अब नॉर्मली आप देखो तो टैरो कार्ड्स भी है, लोग टैरो कार्ड्स भी सीखते हैं काफी, आप लोग टैरो रीडर्स भी रहेंगे, मैं खुद भी टैरो कार्ड्स पढ़ती हूँ। पर 78 कार्ड्स में कभी कभी ना दिक्कत आ जाती है, उन सारे 78 कार्ड्स को याद रखना, उनके बारे में प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास उतना समय होना चाहिए। सो यहाँ पे हम एंजल कार्ड्स द्वारा क्या करेंगे, जिसमें बहुत ही इजी इजियर वे ऑफ कनेक्टिंग विद द एंजल्स, और कार्ड्स को समझना भी बहुत आसान है, और इन कार्ड्स द्वारा गाइडेंस देना भी बहुत बहुत आसान है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक जस्ट बहुत सारे एंजल कार्ड्स है, तो ये वाला एक लेट्स से ओरेकल कार्ड है जो एंजल आंसर्स है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कार्ड्स एंजल्स के आते हैं। इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इनके साथ आपका कनेक्शन जो आप बनाते हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनके साथ जब आप एंजल्स को इनवोक किस तरीके से कराते हो वो इंपॉर्टेंट है। काफी टाइम अगर हमें वो प्रोसेस पता नहीं होता कि एंजल्स को किस तरीके से इनवोक किया जाता है,
तो हम उनके साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी एनर्जीज को महसूस करना, उनकी एनर्जीज को फील करना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे टाइम, जैसे लास्ट टाइम जब हमने एंजल का क्लास लिया था, तो उसमें काफी लोगों ने कहा था कि हमें फेदर्स मिलते हैं, किसी को कॉइन्स मिलते हैं, किसी को अलग अलग उनका जो तरीका होता है बताने का, जब प्रेजेंस दिखाने का तरीका हर एक इंसान टू इंसान पे डिपेंड रहता है। पर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इन कार्ड्स द्वारा एंजल्स के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो, जैसे कि आपके क्रिटिकल इलनेसेस है, या आपके फाइनेंशियल इश्यूज है, या आप कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके घर में किसी की शादी है, पर आप नहीं जानते कि जो आपने व्यक्ति चूज किया वो सही है कि गलत है उस व्यक्ति के लिए, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग होते हैं, तो इन डिसीजन के लिए हम एंजल्स को बुला सकते हैं इन कार्ड्स द्वारा, और राइट गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। ओके गणेश जी, थैंक यू। यहाँ पे सिर्फ एंजल कार्ड रीडिंग नहीं करेंगे, हम जानेंगे भी आपके गार्डियन एंजल्स कौन है, वो 15 आर्कएंजल्स कौन है, उनके बारे में सीखेंगे। मैं आपको हर एक आर्कएंजल की जो इन्वोकेशन प्रेयर होती है वो भी मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट इस वर्कशॉप में ये रहेगा कि मैं ये जो प्रेयर्स है ये अपने आवाज में आपको रिकॉर्ड करके दूंगी, ताकि हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि काफी टाइम दिक्कत होती है कि अपने प्रेयर्स तो आपके प्रिंट फॉर्म में होते हैं, पर आपको पढ़ने को समझ में नहीं आता किस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग कि ये सारे जो प्रेयर्स है ये रिकॉर्डेड वर्जन मेरी आवाज में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू। आप कभी भी बैठ सकते हो, आपको लगे कि मेरे पास अभी क्लाइंट्स आने वाले हैं, जस्ट बिफोर द क्लाइंट कम्स एक 10 मिनट पहले आप बैठ जाइए मेडिटेशन में, एंजल्स को बुलाइएगा, इन्वोक कीजिएगा और अपना रीडिंग करने के लिए बैठ जाइएगा। देखिए आपका रीडिंग 101% राइट रहेगा, और ये क्लाइंट सिर्फ वापस ही नहीं आएगा, आपको बहुत सारे और क्लाइंट्स दिलाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंजल कार्ड रीडिंग। इसके साथ कौन से क्रिस्टल्स आपको यूज करने चाहिए, क्योंकि हर एक इशू अलग अलग होता है, तो हर एक इशू के लिए आपको अलग अलग क्रिस्टल्स यूज करने चाहिए। जो आप कोई क्रिस्टल्स टम्बल्स यूज कर सकते हो, रॉ क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो, लेकिन कौन से क्रिस्टल्स और इन क्रिस्टल्स को आप एनर्जाइज किस तरीके से करें वो आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा कौन से एरोमास, कौन से फ्रेग्रेंसेस, कौन से एंजल्स को पसंद होते हैं, फिर आपके प्लानिटरी प्लैनेट्स जो होते हैं वो कौन से एंजल से कनेक्टेड होते हैं। बिकॉज देखिए, जब हम क्लाइंट्स को कुछ बताना चाहते हैं या गाइड करना चाहते हैं, तो उसके पहले हमारा जो नॉलेज है वो अपग्रेड होना जरूरी होता है। भले आपने कहीं पहले सीखा भी होगा, बट काफी कुछ नया आता रहता है जब हम हमारे कोर्स में ऐड करते रहते हैं, और इस कोर्स द्वारा आप क्या करोगे, आपके नॉलेज को अपग्रेड करोगे, ताकि जब भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं यू विल बी ऑलवेज वन लेवल अबव देम, क्योंकि क्लाइंट्स आपको हर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उसके जवाब आपके पास होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि काफी लोग रेकी सीखे हुए हैं, काफी लोगों ने अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज की हुई है, तो इन मोडालिटीज द्वारा भी हम इन एंजल कार्ड्स को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं ये भी हम सीखेंगे क्लास में, क्योंकि जो नॉलेज आपने ऑलरेडी प्राप्त किया है, रेकी है, लामा फेरा है, कोई भी अलग मोडालिटी आपने सीख ही रहेगी, इन मोडालिटीज द्वारा हम क्या करेंगे इनके साथ कंबाइन किस तरीके से कर सकते हैं वो हम जानेंगे सीखेंगे। इसके अलावा आपको देखिए, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, कि कभी कभी होता है ना कि नहीं मैं सिर्फ अपने फैमिली के लिए पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए आंसर्स फाइंड करना चाहती हूँ, पर कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब आप करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके जो आंसर्स आते हैं वो इतने परफेक्ट होते हैं कि आपको लगता है कि अभी मैं प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ना चाहती हूँ, और ये कोर्स आपको एक प्रोफेशनल कार्ड ओरेकल कार्ड रीडर बनाएगा। ठीक है, सो दिस कोर्स विल मेक यू अ हाईली प्रोफेशनल ओरेकल कार्ड रीडर, और इसमें आप अपने कार्ड्स को किस तरह से आपको क्लीन करना है, इन कार्ड्स को कैसे एनर्जाइज करना है एंजल्स द्वारा, और इन कार्ड्स द्वारा ही इन एंजल्स को बुला के, इस कोर्स में सिर्फ एक एंजल नहीं, आप 3 से 4 एंजल्स को एक साथ बुला सकते हो, इनको किस तरीके से बुलाया जाएगा ताकि वो आपको गाइड कर सके, आपको मार्ग दिखा सके आपकी रीडिंग में, वो आपको सिखाया जाएगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स, और ये बहुत ही पावरफुल गाइडेंस आप प्राप्त कर सकते हो अगर आप ये वर्कशॉप करते हो। तो अब मैं आपके साथ हम क्या एग्जैक्टली इस क्लास में सीखने वाले वो शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए हम क्या एग्जैक्टली सीखने वाले हैं। सो यहाँ पे हम सीखेंगे व्हाट आर द एंजल कार्ड्स, हु आर द एंजल्स,
एंजल्स की हिस्ट्री के बारे में भी सीखेंगे, कार्ड्स के बारे में भी सीखेंगे, और ये जो हम एंजल कार्ड डेक होते हैं उनके कैसे रूल्स है, क्या रूल्स है, इनको किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, रिचुअल्स कौन से आप कर सकते हैं कार्ड्स द्वारा, कुछ कैंडल रिचुअल्स क्या हम कर सकते हैं एंजल्स को कनेक्ट करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा आर्कएंजल इन्वोकेशंस जो बहुत ही पावरफुल इन्वोकेशंस है, और इसमें मैं आपको इतनी सारी प्रेयर्स दे दूंगी कि आपको और प्रेयर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेन तो ये ना किसी धर्म से कनेक्टेड है, एंजल्स आर नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजन, सो आप कभी भी इनको बुला सकते हैं, कहाँ पे भी जहाँ पे आपको जरूरत होती है, जिस प्लेस पे आप हो वहां पे आप उनको बुला सकते हो। फिर आर्कएंजल्स जिनके अलग अलग जोडियाक के जो आर्कएंजल्स है उनको आप बुला सकते हो, अगर आपको पता है कि आपका स्कॉर्पियो है जोडियाक साइन तो उनसे कनेक्टेड कौन से आर्कएंजल है उनके साथ आप अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो ताकि वो हमेशा आपको गाइड करे। इसके अलावा हीलिंग कैसे किया जाता है एंजल से, एंजल कार्ड स्प्रेड्स कौन से होते हैं, जैसे हम टैरो में सीखते हैं ना अलग अलग कार्ड स्प्रेड होते हैं, तो वैसे एंजल्स में भी एंजल कार्ड्स में भी हम अलग अलग स्प्रेड सीखेंगे। 7 to 8 अलग अलग स्प्रेड्स मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से अगर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना चाहते हो तो वो स्प्रेड जो होता है वो किस तरीके से आपको करना चाहिए वो आपको बताया जाएगा। फिर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी एंजल्स एंड न्यूमरोलॉजी का क्या रिलेशन है, आपकी इंट्यूशन पावर आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो विद द गाइडेंस ऑफ एंजल्स। इसके साथ हाउ टू इंटरप्रेट द स्प्रेड्स, चलो आपने कार्ड्स तो फैला लिए, आपने उनको जिस तरीके से आपको लगाने आपने लगा दिए, पर आप इन कार्ड्स का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करना चाहिए, तो वो अगर आप सीख लेते हो तो आपके पास कितने भी कौन से भी क्लाइंट आए आप उनके आंसर्स दे पाओगे। एंड हाउ टू प्रिपेयर प्रोटेक्शन कवच, क्योंकि जब हम एंजल्स को भी बुलाते हैं तब हमारे पास जब क्लाइंट्स काफी सारे आते हैं तो हम नहीं जानते वो कौन से इंटेंशन के साथ आते हैं, उनके साथ कौन सी एनर्जी जुड़ी हुई है, तो इन एंजल्स द्वारा हम हमारा प्रोटेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी टैरो रीडर फॉर एनी कार्ड रीडर, वो आपको सिखाया जाएगा। सो इतनी सारी मोडालिटीज, इतने सारे जो अलग अलग कह सकते हैं कि पॉइंट्स है या इतने सारे अलग अलग कंसेप्ट्स है जो आपको इस वर्कशॉप में सीखने को मिलेंगे। मैडम, जैसे कि हम देखते हैं ऑनलाइन कि बहुत सारे एंजल कार्ड्स अवेलेबल है, तो हाँ जी हाँ आप कौन सा सिखाने वाले हैं? जैसे कि चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, तो कौन से कार्ड्स हैं और कितने कार्ड्स हैं? ओके ठीक है, जो क्वेश्चन है वो सही है बिकॉज बहुत सारे एंजल डेक होते हैं, पर आई ऑलवेज प्रीफर द वेरी सिंपल एंड द वेरी पावरफुल एंजल आंसर कार्ड्स, जैसे कि ये वाले कार्ड्स होते हैं, तो ये कार्ड्स हम सीखेंगे वर्कशॉप में, और इन कार्ड्स द्वारा हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं जो सामने वाले व्यक्ति के क्वेश्चन से, वे हम जानने की कोशिश करेंगे। बट देखिए हमेशा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्ड रीडर हूँ और मैंने तो कार्ड्स मुझे चलो मैंने स्प्रेड लेआउट कर लिया, और कभी कभी क्या होता है हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं कि कभी कभी कार्ड्स के मतलब हमें समझ में नहीं आते और पता नहीं होता कि हम सामने वाले को क्या बता रहे, बट दिस विल नॉट हैपन इन द एंजल कार्ड रीडिंग बिकॉज यहाँ पे आप नहीं गाइड कर रहे, आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, तो जब आपको एंजल्स गाइड करे तो आप जब उसको आंसर देने वाले वो हमेशा 100% राइट रहेगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एंजल इन्वोकेशन एंड दिस कार्ड्स। ओके, ओके हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, या मैडम अगर आप एक आधी रीडिंग भी करना चाहें किसी की, तो अगर आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। चलो, क्वेश्चन आंसर लेने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी दिवाली आ रही है, इसके बाद हमारी कोई क्लास नहीं आएगी, तो आप सब लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 5 डेज की वर्कशॉप है एंजल कॉल रीडिंग की। मैडम, क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर, जी, जैसा कि मैडम ने बताया कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कोशिश की जाएगी कि क्लासेस थोड़ी सी 1 घंटे से ज़्यादा रखकर, 1.5 घंटे की रखकर इसको 5 दिन नहीं तो 6 दिन में आपके इसके अंदर पूरी क्लास करा दी जाएगी। 1 नवंबर से ये स्टार्ट हो रही है और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो इवनिंग का रहेगा, 9:01। और जैसा कि फेस्टिवल सीजन है, आप सभी को पता है, और सेकंड चीज जो हमसे जुड़े हैं उन्हें पता है, जब भी कोई कोर्स स्टार साइन पे इंट्रोड्यूस होता है उसकी फीस हमेशा हमेशा कम रखी जाती है। अगली बार से ये क्लास 3540 की होगी। 1770 रुपये में एंजल का रीडर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये आपको दिवाली का गिफ्ट भी समझ लीजिए, और एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नई स्ट्रीम्स जो स्टार साइन इंट्रोड्यूस कर रहा है,
उस सब में मैं आपका स्वागत करूंगा। आप आइए, सीखिए, अपने आप को और बेहतर बनाइए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम होते हैं कार्ड। बहुत सारे लोगों ने हमसे टैरो कार्ड की क्लासेस की हुई हैं, सुरभि मैडम कंडक्ट करती हैं। उसी तरीके से एंजल कार्ड रीडिंग भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है, और ये सीखना अपने आप में एक आशीर्वाद है। जिनके पास बैंक डिटेल नहीं है, मैंने आपको शेयर की है, 9675177666 पे आपको पेमेंट करना है, और जो आप पेमेंट की स्लिप है वो शेयर करेंगे मेरे नंबर 7665559566 पे। अपनी सीट को जल्दी से जल्दी रिजर्व करवाइए, और 1 तारीख को मिलेंगे क्लास के अंदर। अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। पहले मालती भाटी जी का ले लेते हैं सबसे पहले। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कोर्स में मैम क्या क्या सिखाएंगे आप हमको? मुझे इसका नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही थी ये देखिए कि मैडम, इसमें क्या क्या रहेगा। आपको आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ आ रहा है, लेकिन अभी स्क्रीन पे मेरे कुछ हाँ, तो अब आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये सारा का सारा सिखाया जाएगा, ये कोर्स कंटेन है। एंजल कार्ड्स क्या है और एंजल्स क्या होती हैं, हिस्ट्री ऑफ एंजल कार्ड्स क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। कोशिश की है, कंटेंट हमेशा ज्यादा ही होता है, सब कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन इतना तो जी आप जी जी बताएंगे ही, हम बताएंगे। ठीक है जी, जी और कुछ मालती जी? और सर जो फीस देनी है वो अभी अभी जूम के दौरान ही देनी है, या हम शाम तक इसको कर सकते हैं? मैडम जितना जल्दी देना चाहो उतना जल्दी दे सकते हो, बाकी आप कल भी दे सकते हो, ऐसा कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन सीट रिजर्व करने का मतलब ये होता है कि हर एक बैच एक लिमिटेड बैच होता है। ज्यादा बच्चे इसलिए नहीं लिए जाते क्योंकि उनको फिर बैच दो रखने पड़ते हैं, तो एक ही बैच अरेंज हो पाया है मैडम के पास। तो जल्दी से जल्दी सीट रिजर्व कराने से क्या होता है कि आपका स्पॉट हम रिजर्व कर लेते हैं। तो जी आपकी टाइमिंग बैंक क्या डिटेल, रहेगी सर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मैडम। 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जी टाइम है 9:01, 1770 रुपये एनर्जी एक्सचेंज है, बैंक डिटेल पूरी दी हुई है। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है सर, सर। आप 1 तारीख को रख रहे हैं है ना? 1 तारीख को तो सर करवा फास्ट चौथ है, है, करवा चौथ है, राइट? तो उस टाइम 2 तारीख से, पे पूजा रहेगी, दो सारी तारीख से, चीजें हाँ रहेंगी, तो कोई हाँ क्लास कैसे अटेंड जी 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 करनी जी जी है? मैडम बिल्कुल सही है, 2 तारीख से रहेगी। तो 2 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे इसको, ये कर लेते हैं, ठीक है? 2 तारीख से कर जी लेंगे करवा चौथ का। वैसे भी जी फेस्टिवल और संडे ऑफ ही जी रहता है, आज भी ऑफ ही था, लेकिन मैडम ने कहा कि क्योंकि जी समय कम है तो हम आज ही वेबिनार रख लेते हैं। तो ये हमारा जो नहीं वेबिनार है नहीं बहुत अच्छा किया सर आपने। जी, तो ये हमारा वेबिनार जो है मनीष के मौर्य नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है, ये आप नाम पढ़ रहे होंगे, वहां पर आप जाइए। 2 नवंबर से हम जी इसको स्टार्ट करेंगे। नया पोस्टर कल आपके ग्रुप में आ जाएगा, जहां पर भी आप, जिस भी ग्रुप में हम बने रहे। पेमेंट डिटेल शेयर करने का नंबर है आपका 7666555566। 2 नवंबर से स्टार्ट करते हैं इसको जी। और कोई क्वेश्चन जी मालती? सर जी नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद आपका वेबिनार में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रशांति जी प्लीज। राधे राधे जी, राधे 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 राधे। राधे राधे। मैम इसमें ना कैन वी ट्राई टू फाइंड आउट लॉस्ट आइटम्स टू एंजल आंसर्स? ओके, तो आपके लॉस आइटम से वो आंसर्स, राइट? हाँ जी लॉस आइटम से फॉर एग्जांपल एनिमल्स होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनको आप फाइंड करने का, राइट? जो भी है, लॉस्ट एनिमल्स हो सकते हैं, घर में ऐसा कोई चीज होते लॉस्ट हैं ना, जैसे कि कीज, आप ऑर्नामेंट्स। कर सकते हो, उसका मैं आपको एक अलग सा प्रेयर दे दूँ क्लास में, टू कनेक्ट विद द ओके, एंजल क्योंकि सो दैट मैंने यू कैन गेट कनेक्ट। ओरेकल कार्ड्स पे सीखा है, तो उशोजन में उसमें मैंने ट्राई किया है, मैंने जितना भी प्रेयर्स कर दिया उसमें सफलता नहीं मिला मुझे। आपने ओशो जेन सीखा है, राइट? दूसरों को करना है ना, सो आई कांट इश्योर रीडिंग जब क्लाइंट्स आते हैं। राइट राइट, यस यस मैम।
हाँ, सो दैट इज एज अ टोल्ड यू ना, लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि नॉर्मल टैरो कार्ड्स भी करते हैं तो क्या कभी काफी टाइम जाता है उनको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए. बट दिस आर वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट वे. द रीजन व्हाई, बिकॉज यहाँ पे वी हैव इंटरफेरेंस ऑफ द हायर एनर्जीज. तो यहाँ पे जब हमें एनर्जीज द्वारा गाइडेंस मिल जाता है, नॉट इन एनी ह्यूमन फॉर्म बट इन द फॉर्म ऑफ हायर एनर्जीज, तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू कनेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्लाइंट आस्किंग अस, और उनको उस सही तरीके का जो जवाब होता है वो देने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं. तो अगर आप लॉस्ट आइटम की बात करते हो, तो आई कैन गिव यू प्रेयर, जो एंजल्स की प्रेयर होती है, जो लॉस्ट आइटम फाइंड करने की प्रेयर होती है, इन कार्ड्स द्वारा भी आप उनके साथ कनेक्ट करके यू कैन आस्क फॉर द गाइडेंस एंड दे विल हेल्प. मैम मैम ने जब सीखा वो मैम भी ऐसे कहा, सो आई जस्ट वांट टू नो वेदर दिस इज सच में तो ऐसा पॉसिबल है जितना प्रशांत मैं जी अब आपके फेल लिए, करता। प्रशांत जी तो मैं आपके लिए एक और इससे भी अच्छा रास्ता बताता हूँ। आप एक मनीष के मौर्य नाम से हमारा एक फेसबुक पेज है, आप वहां जाइए, वहां पर एक लॉस्ट एंड फाउंड की क्लास आती है जिसमें हम सिर्फ यही सिखाते हैं कि आपकी कोई भी चीज गुम की हुई हो तो वो मिलेगी, मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो आपके घर के लोगों ने ली है या गुम हो गई है या कहीं आप रख के भूल गए हो। पूरी की पूरी क्लास है 1770 के अंदर, लॉस्ट एंड फाउंड नाम से है। अगर आपको उसका कोर्स कंटेंट अच्छा लगे तो आप वो मुझसे संपर्क कर लीजिए। एंजल कार्ड्स के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये यस या नो का आंसर देते हैं, या आपका कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है आप पूछते हैं तो ये एंजल कार्ड आपको उसको गाइड करने में मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर मॉडलिटी में हर चीज हो जाएगी, ठीक है ना। आपने बोला मेरी कैंसर की बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, या कब तक क्योर हो जाएगा, क्यों हुई है, वो सबका आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कार्ड देता है। लेकिन आप उसका ट्रीटमेंट ढूंढेंगे तो उसके फिर उपाय होते हैं और वो रेमेडी की क्लास करनी पड़ती है आपको। ये प्रिडिक्शन का है, आप किसी भी पोर्टल पे काम करते हो तो आपको ये टैरो कार्ड आने चाहिए, या आपके पास कोई भी कोई क्वेश्चन लेके आता है तो उसका आंसर ये चीज देते हैं। तो कंटेंट में जैसा कि लिखा गया है वही हम बताते हैं और वो आपको सारा सिखाया जाता है, ठीक है ना। अगर आप इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन हो, देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही हम बताएंगे आपको। और बहुत सिंपल सी बात है कि हर पर्टिकुलर चीज के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स बनी हुई हैं। तो अगर आप कहेंगे कि मैं इससे राशि निकाल पाऊंगी क्या, तो वो आपको एस्ट्रोलॉजी ही सीखनी पड़ेगी। अगर आपको पर्सनल ईयर निकालना है तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी ही सीखनी रहेगी। लॉस्ट एंड फाउंड की एक अपने आप में एक अलग स्ट्रीम है, वो हम पूरी की पूरी उसके अंदर वही सिखाते हैं। चित्रा जैन करके एक एस्ट्रोलॉजर है, वो सिखाती हैं, हमारे ही प्लेटफॉर्म पे सिखाती हैं। यूट्यूब जैसा कि मैंने बताया, मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाके लॉस्ट एंड फाउंड सर्च करेंगे तो आपको वो चीज वहां मिल जाएगी। पूरा वेबिनार वहां पर है। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो सदैव मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। 7666555 9566 पे आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सलोनी जी का लेंगे। हाँ जी, राधे 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 मैम. जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि क्लास हिंदी में रहे. हाँ मैडम, हिंदी में ही पढ़ाओगे ना? हाँ जी, हाँ जी, हिंदी में ही पढ़ाऊंगी. हिंदी में ही पढ़ाएंगे जी। आपका म्यूट हो गया. ओके, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था मैम, हमको एंजल ग्रिड बनाना सिखाया जाएगा इसमें? देखिए, एंजल ग्रिड ऐसे इसमें नहीं है स्पेसिफिकली, बिकॉज ये हमारा जो कनेक्शन है वो सारे कार्ड्स के साथ ही है, ठीक है. ओके बट इसमें हम क्रिस्टल एंजल्स का यूज करेंगे. क्रिस्टल एंजल्स जो आते हैं ना, अलग अलग क्रिस्टल्स, एमेथिस के आते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज के आते हैं क्रिस्टल, सो उनके साथ आप कैसे इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो वो मैं आपको सिखाऊंगी. ओके मैम, यही क्वेश्चन था मेरा. थैंक यू. ओके, वेलकम. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं राजेश्वरी जी का। हेलो मैम. राधे राधे. राधे राधे मैम. मैम, मुझे बस ये पूछना था कि जैसे सर ने अभी बताया कि प्लेटफॉर्म पे हम आंसर देते, तो मैं ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ काम, वहां पे टैरो का करती हूँ. तो क्या हम टैरो के जगह पे, जैसे आपने कहा कि 78 कार्ड्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उसके बदले एंजल कार्ड्स अगर यूज करते हैं, तो क्या हमें उतने सारे गाइडेंस मिल सकते हैं? मतलब उतने उसके लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्या, क्योंकि वहां पे तो 5 मिनट में क्लाइंट आता है. राइट राइट राइट. देखिए, होता क्या है, नाउ दिस वाले जो है इसमें, अच्छा आप म्यूट कर लीजिए आवाज़ को.
थैंक यू। देखिए इस वाले जो हमारा जो ये डेक है इसमें 44 कार्ड्स है, ठीक है, 44 to 45 कार्ड्स होते हैं। हम जो रेडा वाइट का जो डेक यूज करते हैं उसमें 78 कार्ड्स होते हैं। उसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं कि अगर रिवर्स आता है तो उसका अर्थ अलग होता है, अपराइट आता है तो उसका अलग अर्थ होता है, देन यू हैव द मेजर अरकाना एंड द माइनर अरकाना एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो वो बहुत सारा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे आप कभी ब्लैंक नहीं हो जाओगे, वन थिंग इज श्योर। बट बिफोर दैट यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर एंजल इन्वोकेशन, ओके, आस्क फॉर द गाइडेंस फ्रॉम देम। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये कार्ड्स भी आप सीखिएगा और आपका जो दूसरा टैरो डेक है उसके साथ भी आप किस तरीके से एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो आप दोनों भी डेक यूज कर सकते ब्यूटिफुली, ओके। व्हेन यू हैव क्लाइंट्स हु आर आस्किंग यू मोर डीपर क्वेश्चंस तब आप वो वाला कार्ड यूज कर सकते हो। जब आपके पास क्लाइंट्स पहले बार आते हैं एंड यू नो व्हेन वी गो फॉर अ नॉर्मल रीडिंग तो आप ये वाले कार्ड्स यूज कीजिए ताकि वो क्लाइंट आपके पास वापस आ जाए, बिकॉज ये कार्ड्स उसको इस तरीके से आंसर मिलेगा कि ही विल गेट सेटिस्फाइड बाय द आंसर्स एंड ही विल कम बैक टू यू, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश्वरी जी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पोर्टल पे काम करने वाले या जो भी कंसल्टेंसी लेते हैं उनके लिए टैरो कार्ड, एंजल कार्ड, ओशो जैन कार्ड, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं सबको सीखना जरूरी है, क्योंकि एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए गाइड आपको तो सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। फिर आपका कनेक्टिविटी जिससे बैठती है आप उससे आंसर दीजिए। आप टैरो यूज करते हैं, टैरो यूज करते रहिए, कहीं पर आप अटकते हैं एंजल कार्ड यूज कर लीजिए, कहीं पर आपसे और कुछ पूछा जाता है सेम क्वेश्चन या डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप अगर टैरो से बार बार नहीं पूछ सकते तो आप थर्ड ओशो जैन से ही पूछ सकते हैं। सभी गाइडेंस के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि मनीष जी का एक बहुत अच्छा पंक्ति थी कि तरकश में जितने तीर होंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। युद्ध पे जाएंगे तो जिसके पास सामग्री ज्यादा होती है उसके जीतने के चांस ज्यादा होते हैं ना, तो हथियार जितने इकट्ठे करना चाहो इकट्ठे करते रहो। और एज ए आप तो अर्न कर ही रहे हैं पोर्टल से, अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां से तो कुछ पैसा आता ही है, तो थोड़ा थोड़ा सीखने में लगाइए। जैसा कि हम हर आपके जब भी हम जूम का लिंक शेयर करते हैं तो लास्ट लास्ट की लाइन हम लिखते हैं कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, तो उसको उस पर जरूर फोकस कीजिए। आप जितना आप सीखेंगे अपने आप को अपग्रेड करेंगे। आप शायद 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 2G 3G फोन होते थे, उनकी स्पीड कैसे होती थी, लेकिन आज हमने उन टूल्स को अपग्रेड किया है। छोटी छोटी फ्रिज भी नहीं होती थी, छोटी फ्रिज, बड़ी फ्रिज, आज कैसी कैसी फ्रिज आ रही है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति जो है ना वो है मानव। ईश्वर ने जो सबसे खूबसूरत चीज बनाई है ना वो मानव बनाई है। आप अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं अपने आप का लॉस ही कर रहे हैं। तो सीखना या यूज करना दोनों अलग अलग चीज है। सीखो, सभी चीजें सीखो, जितना आपकी कैपेबिलिटी है उतना सीखते जाओ अपने आप को। आप 2 साल 3 साल बाद आप देखोगे ना तो सबसे अपने आप को बेहतर पाओगे, क्योंकि क्योंकि आपने सबसे ज्यादा सीखा है। तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, जितना आप सीखेंगे उतना अच्छा है। और मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आईफोन नाम लिखा हुआ है, तो मैं सबसे कृपा करके कोशिश करूंगा कि जब भी आप आए अपना रीनेम करके आए ताकि हम आपका क्वेश्चन ले पाए। जी मैडम प्लीज, राधे राधे, स्वागत है आपका। जी आपको ही बोल रहा हूँ मैडम, आप अनम्यूट हो गए ना, बोलिए। हाँ राधे राधे सर, मैं उमा। अच्छा उमा जी, आपने नाम आईफोन लिखा है ना इसलिए। सर, पता नहीं आज नाम पूछा नहीं, तो जी सर मेरा यही क्वेश्चन था कि वही टैरो हमने किया हुआ है तो उसके साथ मुझे इससे पहले वाले में आंसर मिल गया कि मैम बता रही जी है कि जी हम यूज जी कर सकते हैं। जी जी मैडम फिर म्यूट हो गए आप। अनम्यूट अनम्यूट जी ओके सर, अब आ रही है आवाज। जी हाँ मैडम। जी सर, सर पहला क्वेश्चन था वो ऑलरेडी लास्ट टाइम मैम ने अभी पूछा था, टैरो कार्ड से यूज कैसे कर सकते हैं, तो वो तो सर आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर इसमें हमें सारे क्रिस्टल्स की नॉलेज मिलेगी कि किसको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए। नहीं मैडम, उसके लिए क्रिस्टल की 2 क्लासेस हैं। एक मयूरा परब जी लेती हैं जिसके अंदर ओके क्रिस्टल ग्रिड की जानकारी मिलती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल ग्रिड की जानकारी मिलती ओके है। वो वन सेवन ओके सेवन जीरो का कोर्स है, और एक ओके आता है 3540 का कोर्स जो चित्रा मैडम लेती है। उसके अंदर आपको 50+ क्रिस्टल की पूरी जानकारी मिलती है, ए से लेकर जेड तक, पूरी कंप्लीट जानकारी। ओके अभी मैम बोल रही थी ना कि एमेथिस्ट और ये सब क्रिस्टल नॉलेज होगी वो तो तो मुझे मैडम आना बताने चाहिए। वाली, वो मैडम प्लीज आप बताइए। हाँ जी, देखिए कैसे होता है कि नाउ व्हेन वी हैव क्लाइंट, जब हमारे पास आते हैं तो अलग इश्यूज लेके आते हैं। तो बेसिक नॉलेज जो होता है कि कौन से क्रिस्टल्स को हम कंबाइन कर सकते हैं,
उन इश्यूज के साथ, वो मैं आपको जनरल नॉलेज दे दूंगी उसका, इन डेप्थ इन डिटेल सीखना है ग्रेड्स या क्रिस्टल्स, तो अलग अलग स्पेसिफिक कोर्स है उसके लिए, वरना नॉर्मल जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का कुछ इश्यू है तो आप एमेथिस्ट वाला ब्रेसलेट उसको रेफर कर सकते हो, उसको आप एंजल द्वारा उसको एनर्जाइज करके उसको दे सकते हो, तो ये वाला सारा मैं नॉलेज आपको दे दूंगी, क्या वो टम्बल उसको एनर्जाइज करके एंजल एनर्जीज द्वारा आप उसको दे सकते हो चार्ज करके, बिकॉज एज 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 अ कार्ड रीडर हमारे पास वो सारा होना चाहिए नॉलेज, तो ये एग्जैक्टली वही वही वो मैं आपको जो बेसिक नॉलेज है कि इस क्वेश्चन अगर ये प्रॉब्लम इश्यू है तो आप कौन सा कार्ड सॉरी कौन सा आप क्रिस्टल रेफर करोगे, नॉलेज मैं आपको दे। हाँ मैम, बस वही जानना था, क्योंकि टैरो भी अगर हम देखेंगे उसके साथ साथ ये भी देखेंगे तो एक इंस्टेंट आंसर होता है कि बहुत यू हैव फर्क टू है, वेयर दिस, और इवन हम खुद भी अपने लिए वेयर करना चाहें तो एक नॉलेज होनी चाहिए, तो बहुत मुझे फर्क लगा वो इस कोर्स में आएगा। तो है, मतलब ओवरऑल मैम टैरो के साथ इसको करना बहुत बेनिफिट रहेगा। बहुत बेनिफिशियल है। मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ, मैं खुद मैं आई हैव डन माय राइडर वेट आल्सो, आई हैव डन दिस आल्सो, मैं ओशो भी रेफर करती हूँ, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 15 डेक्स है, आप बिलीव नहीं करोगे, 15 अलग अलग डेक्स है, और जैसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है कुछ क्लाइंट्स नॉर्मल रेगुलर क्लाइंट्स आते हैं, तो उनके लिए मैं एक स्पेसिफिक डेक यूज करती हूँ, आई डो नॉट यूज ईच एंड एवरी डेक फॉर एवरी क्लाइंट, तो उस क्लाइंट के एनर्जीज को पहचान जाती हूँ और मुझे पता चल रहा है कि इस डेक द्वारा मुझे इस क्लाइंट का आंसर परफेक्ट मिल जाएगा, तो वो तो काफी सालों का अभ्यास है मेरा, मैंने मेहनत की है, परिश्रम किया है, स्टडी किया है, आपको भी आ जाएगा, सिर्फ क्या है कि ये नॉलेज है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसे मैंने बताया कि टैरो जब हम कार्ड्स पढ़ते हैं तो हम कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं, इन दैट ऑलवेज यस एंड इन दैट केस ऑलवेज गो फॉर दिस कार्ड्स, इससे आप कभी ब्लैंक नहीं होगे, आप इसको यूज कर सकते हो विद दोस कार्ड्स एंड यू कैन गिव द आंसर्स मतलब मैम हम बहुत छोटी मोटी चीजों के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, जो डेली डेली डेली। गाइडेंस के लिए। यस ओके इनफैक्ट थैंक आप यू इससे मैम, थैंक वीडियोस बना सकते हो डेली गाइडेंस के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत कुछ कर सकते यू मैम। हो। चलो फिर मैडम, आज इतनी बात हुई है तो आप सबको एक बहुत बेहतरीन मैं गिफ्ट भी देने वाला हूँ। चलो तो वो गिफ्ट ये है कि देखिए, ये फीस तो आपको पता है कि कुछ भी नहीं है, जैसा कि आप सब लोगों ने टैरो किया है, 9,000, 10,000, 15,000, सभी तरह के कोर्स होते हैं, 7,000, 6,000, तो आपको पता ही है। तो ये तो हमने वैसे एज ए फ्री ही रखा है, ये तो इतना तो खर्चा हो जाता है, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप नोट कर लीजिए कि मैडम का दिवाली के बाद एक कोर्स आ रहा है जो है ओशो जैन टैरो कार्ड। तो ओशो जैन में हम सब कुछ सीखने वाले हैं, जो भी ये क्लास ज्वाइन करेगा उसको हम ओशो जैन में एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी देंगे, जो जो भी इस क्लास में इस बार ज्वाइन करेंगे 1770 रुपये दे के, जब भी वो सेशन आएगा तब आप सब लोग मुझसे फोन करके पूछेंगे कि हमारा स्पेशल डिस्काउंट क्या है, जो भी बेस्ट डिस्काउंट दिया जाएगा उसके अलावा भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको 100% दिया जाएगा, ये आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। चलिए तो ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। सुनंदा जी से बात कर लेते हैं। राधे राधे मैम, राधे 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 सर राधे राधे। मैम, फॉर एग्जाम्पल कैन यू जस्ट रीड वन कार्ड फॉर अस, जस्ट टू गेट अस द फील अबाउट इट। What question do you have in your mind? ओके, आई थिंक आई हैव रिटन इन डाउन, लाइक विल आई मेक अ करियर इन ऑकल्ट। You are not confident of that. आई आपने डोंट तो काफी सारी मोडालिटी सीखी होगी, नो, आई जस्ट लर्न टू व्यू, नॉट मेनी, यस, बिकॉज यू शुड बी कॉन्फिडेंट आई नो, आई विद थिंक आई एम द स्केयर्ड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। Hard work, nothing comes free now, ma'am, in this world. You have to work hard for it. एग्जैक्टली, But hard work and patience pay. This is my इट experience. पेस दैट It pays पेस। a lot. I've been working in occult for almost more than 10 years, almost. And ओह I know how beautiful it feels. At times you ओके, get lost. At times you don't know what to do. At times you feel, are you doing the right thing? But you should follow your guidance. करेक्ट करेक्ट। And connecting with the angels is one of the best beauty. No, they give you the right answers. यस, Okay, so what's your name? Complete name? सुनंदा No, complete name. Sunanda Aneja. अनेजा अनेजा। Okay. Now, what are the angels saying is that, Sunanda, you need to do a lot of meditation. ओके Okay? And in meditation, you will get a lot of guidance. ओके, All right? So, have you learned any kind of meditation course like Reiki and all? Have you done that? नो आपने किया है? नो नहीं किया नो, है.
Okay, so now your answers are that the more you meditate, the more you'll be able to connect with the higher self. Okay. Okay, I so do a lot of mala and all, but I don't do meditation. No, so meditation is a different thing. I myself a Reiki master. I do a lot of meditations. I take a lot of meditation classes and all. And believe me, with meditation, even my life has changed. So यहाँ पे answer आपका positive है. यस आप कर पाओगे बट उसके लिए आपको एक हायर लेवल तक पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेडिटेशन या ऐसे कोई मोडालिटी का आपको यूज करना पड़ेगा ताकि आपका इंट्यूशन पावर आप स्ट्रॉन्ग कर सके. सो दे आर सेइंग इनडायरेक्टली इज दैट यू हैव टू बिल्ड योर इंट्यूशन पावर. अगर आप आपका इंट्यूशन पावर बिल्ड करते हो तो डेफिनेटली आप हायर लेवल तक जहाँ पे आपकी इच्छा है वहां तक पहुंच सकते हो. ओके एंड हाउ टू डू दैट बाय मेडिटेशन डिफरेंट वेज. नाउ इफ यू आस्क मी एज अ into this field, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो अगर आप मुझे पूछो तो आई वुड टेल यू दैट स्टार्ट विद रेकी. सबसे पहले रेकी से शुरुआत कीजिएगा. सॉरी, रेकी में होता क्या है, आपके सारे चक्रास जो ब्लॉक होते हैं वो बिकॉज ऑफ द अट्यूनमेंट वो खुल जाते हैं. ठीक है, द मोमेंट योर चक्रास, और ऐसे नहीं कि चक्रास हमेशा क्लीन रहते हैं, एनर्जाइज रहते हैं. वी मीट लॉट ऑफ पीपल डे इन एंड डे आउट, सो एट टाइम्स वी डू गेट इन्फ्लुएंस बाय द नेगेटिव एनर्जीज दे कैरी. करेक्ट And it affects us. तो हम क्या करते हैं, हम रेकी में हमारा ऑरा और हमारा चक्रास को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि इवन इवन अ पर्सन हु इज नियर बाय अस स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट ऑल्सो, उसका अगर ऑरा नेगेटिव है तो हमारे ऑरा को वो इफेक्ट नहीं करता है. हम इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं रेकी द्वारा. सो अगर आप ये करते हो, रेकी में बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, जैसे कार्मिक मेडिटेशन जो मैं करती हूँ डेली फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं. इन मेडिटेशन द्वारा क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ. करेक्ट ना जो थर्ड आई जो है उसको एक्टिवेट करके एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर हम क्रिएट कर सकते हैं. बिकॉज हीलिंग मोडेलिटी ले लीजिए या जिस भी हम फील्ड में जब हम स्पिरिचुअलिज्म में आते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर टू गाइड पीपल. एंड लोगों को तो बाद में, लेकिन खुद को पहले गाइड करें कि मैं करेक्ट ठीक कर रही हूँ कि करेक्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम गोइंग द राइट डायरेक्शन, टू फील दैट यू आर नॉट गेटिंग लॉस्ट एनीवेयर इन दैट होल रोड पाथ. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द एंजल्स आर ट्राइंग टू से दैट यू कैन डू दिस. आपको पॉसिबल है पर आपको उसके लिए आपको थोड़ा हायर सेल्फ तक पहुंचना पड़ेगा और वो आप मेडिटेशन द्वारा कर सकते हैं. एनी मोडालिटी दैट यू फील, अगर आपको लामा फिर अच्छा लगता है, आपको रेकी अच्छी लगती है, पर रेकी इज द बेस एंड फाउंडेशन ऑफ एवरी मोडालिटी आई वुड से. तो इट इज इजियर बिकॉज रेकी द्वारा हम एंजल से भी कनेक्ट करते हैं. रेकी एनर्जीज एंड एंजल एनर्जीज को हम कंबाइन करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस एंड पावरफुल हीलिंग मोडालिटी बना सकते हैं. तो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं एंड यू हैव लॉट ऑफ टाइम. एज इज नो फैक्टर इन स्पिरिचुअलिज्म. एज इज नो. ओके मयूरा जी, मैं थैंक आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम का जो थैंक यू. कार्ड निकला है ना, हाँ जी, कार्ड सबको शो कीजिए. वो हम पढ़ते कैसे वो भले हम क्लास में सीखेंगे, लेकिन अच्छा कार्ड क्या है वो बता दीजिए. दिस इज द कार्ड. ओम मेडिटेशन. यू आर नीलिंग डाउन, यू आर नीलिंग डाउन, यू आर कॉलिंग अपॉन द हाई एनर्जीज. You're kneeling down, you're calling upon the high energies, you're trying to focus. तो इसका कार्ड का ये मतलब होता है कि आपको डिविनिटी के साथ कनेक्ट करना है, which is still a long way to go. And when you do that, you will be following, you will, आपके जितने भी इस फील्ड में जो ड्रीम्स है, जो इच्छाएं वो पूरी हो जाए, बट वहां तक आपको पहुंचना है. ओके मैम, जैसे अब रेखी का कोर्स तो जब आएगा देन आई विल डू, बट फॉर द टाइम बीइंग एनीथिंग यू वांट मी टू डू लाइक anything you would suggest? In this course also what I'll do, I have lot of prayers, बहुत सारे angel prayers मैं देने वाली हूँ, और of course मैं कुछ angel meditations भी करवा सकती हूँ. तो अगर आप ये angel meditation सीख सकते हो till the time you do Reiki also, तो you will start getting guidance from them. And then they can guide you which modality, आपको कौन से इस पे सीखना है, क्या करना है, उनको किस तरीके से use करना है. Because see, a human being giving in a guidance, इंसान गलत भी हो सकता है ना sometimes, but when you get guidance from the higher energies, the guidance will always go right for you. Okay. So that I can teach you in this class, Reiki angel meditation सिखा सकती हूँ मैं आपको. इस meditation द्वारा भी आप daily अगर कर सकते हैं and try to connect up with your higher self, things will start working more positive for you. Correct. Correct. मैडम की Reiki level 1, Reiki level 2, Reiki level 3 भी आने वाली है. और सर लामा फेरा ऑलरेडी मैडम ने किया है, आप रिकॉर्डेड लेकर लास्ट डे अट्यूनमेंट मैडम से ले सकते हैं लामा फेरा. इसके अलावा अभी अभी हमने आपके ही ग्रुपों में अभी जो हमारे कोर्स अभी अभी बिल्कुल रिसेंटली अभी हमने किए थे, कोर्स का नाम मैडम दो कोर्स थे ना. हाँ जी, गणेशा विनायक रेखी किया था. गणेशा विनायक रेखी थी और इसके अलावा
जी कुंडलिनी रेकी थी, और मैडम का करुणा रेकी भी नेक्स्ट कोर्स ही है, इसके बाद उनका वही आने वाला है, उसके बाद रेकी विच इज द कोर्स आने वाले बेसिक हैं। रेकी कोर्स, विच इज द जी बेसिक रेकी कोर्स? बेसिक रेकी कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग आप ले लीजिए, मैडम से मैं आपको पर्सनल अटेंड करा दूंगा। रेकी लेवल 1 2 3 आप मेरा नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है ठीक जी? है, आई हैव योर नंबर। हाँ जी जी, जी 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 थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैम। चलिए बहुत अच्छा है मैडम, आपने कार्ड बताया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अनिल जी का। नमस्कार सर। ओम मैम नमस्कार। राधे राधे सर। साई राम। साई राम जी। मैडम ये जो अपना एंजल का जो कार्ड डेक है, ये हमें तो अभी सीखना है तो लेना तो पड़ेगा ना इसको, तो हाँ कहाँ से परचेस कर सकते हैं? ये आपको परचेस करना रहेगा ऑनलाइन, अमेजोन पे अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है सर। हाँ जी। अच्छा, तो और बाद में इसके जो जो सिखाएंगे उसके नोट्स मिलेंगे हमको? वीडियो रिकॉर्डिंग 6 मंथ के लिए मिलती है, नोट्स आपको 1 साल के लिए मिलते हैं अच्छा, जी, ओके 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 और ओके 1 ईयर, और आपको इसका ओके ओके कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको ओके 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 जी। हमारे यहाँ पर थैंक जितनी भी क्लासेस होती है सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, यू। ठीक ओके है सर, जी, थैंक ओके। स्टार्ट यू जी। से इजी टू गेट ऑन अमेज़न, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। पूजा जी, राधे राधे सर, राधे राधे मैम, राधे राधे जी, बस बढ़िया हूँ। मैं तो आ रही हूँ क्लास में आपकी। बहुत वेलकम बहुत आपकी स्वागत है। आपकी मेरे पास भी है कार्ड जी वाले, तो बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, जब भी बहुत मैं पूछती हूँ मेरे को आंसर मिल जाता है उनका। डर बहुत अच्छा, डेफिनेट की वाइब्रेशन जरूर लूंगी आपसे। थैंक मोस्ट वेलकम मैडम, यू, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू, थैंक यू। हमेशा ही स्वागत है मैडम आपका। तो जोधा राम चौधरी जी, नमस्कार सर। जोधाराम जी क्या आप सुन पा रहे हैं? आपने हैंड रेस किया है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार सर, नमस्कार नमस्ते। यस सर, आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर, हेलो। बोलिए सर प्लीज। जी सर बोलिए। ये कार्ड मिलता किधर है सर? मैं ये आपको बोल रहा था कि जो कार्ड तो पढ़ रहे, पर ये अमेजॉन कार्ड मिलता किधर है? पे मिल जाएगा सर, जिस दिन आप फर्स्ट डे क्लास में आएंगे हम आपको बताएंगे कि कहाँ मिलता है, उसका लिंक भी दे देंगे, इजीली अवेलेबल है, 2 से 3 दिन में 5 दिन में आ जाता है आपके पास। अपन क्या सर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए यूज होता है कि अपना खुद के लिए, अपने को दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए? सर ये गाइडेंस के लिए कार्ड होता है मैडम, हाँ प्लीज इसका गाइडेंस के आंसर लिए, दीजिए। समझो एंजल्स गाइडेंस के लिए। हाँ सर, मैडम क्या अपनी सेल्फ रीडिंग कर सकते हैं इसके अंदर? हाँ जी, हाँ जी, ये खुद के गाइडेंस के लिए भी आप यूज कर सकते हो, पर्सनल, आप उसको पर्सनलाइज करके अपने गाइडेंस के लिए यूज कर सकते हो एंजल्स का। इसमें भी आपको वही एंजल प्रेयर्स यूज करने पड़ेंगे, इनवोकेशन प्रेयर्स करने पड़ते हैं, और इन प्रेयर्स द्वारा इन आपको राइट आंसर मिल जाएगा एंजल्स का। मेरा कार्ड पढ़िए ना एक बार, क्या है उसमें मालूम पड़ेगा। आपका भी कार्ड चूज करें, आप कहाँ रहते हो सर? मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। नासिक। क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन है आपका? बोलिए सर, आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछिए। तो बिजनेस ग्रो के लिए ऐसा? क्या बिजनेस ग्रोथ और बढ़ेगी मैडम हाँ ये? और स्पेसिफिक बढ़ेगी क्या क्वेश्चन। ऐसा? अच्छा, बिजनेस ग्रोथ और बढ़नी है, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपका नाम जोधा राम चौधरी है राइट? हाँ जोधा राम। आप शुरू से ही वही महाराष्ट्री रहते हैं? नहीं राजस्थान के सर, ऐसा तो हम वही तो मैं कह रहा हूँ, राजस्थान में कहाँ से हो, इसीलिए मैंने आपकी आवाज पकड़ ली। जालौर से। हाँ जालौर, ठीक है, सिरोही जालौर, ठीक है सर, ओके हाँ ओके। जालौर श्री। आप सुंदा सर किधर माता, से? सुंदा जयपुर से? माता, सुंदा मैं आपके जालौर आया हूँ, सुंदा माता। माता सर हमारे से 7 8 किलोमीटर लंबा। हाँ बस बस, मैं क्या हाँ ऐसे दर्शन करता रहता हूँ तो वहां आया हूँ। जी जी अच्छा, जी ये सुंदर माता 7 8 किलोमीटर पड़ता है ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैडम प्लीज आंसर। यस सर, यस। महाराष्ट्र में बिजनेस है सर हमारा, बिल्डिंग मटेरियल का। जी, बहुत अच्छा जी। देखिए एंजल्स का आंसर तो पॉजिटिव है यस आपके लिए, ये वाला कार्ड आ गया है तो आंसर आपका पॉजिटिव है। यस वाह जोधाराम आंसर आ जी, थैंक गया है, तो यू थैंक यू। यस ग्रोथ तो आपकी होगी, डेफिनेटली होगी, क्या बात है, थैंक परफेक्ट आंसर आया है यस करके आपके लिए। यू थैंक यू। मजा आ गया जोधाराम जी, मजा आ गया। चलिए थैंक यू वेरी मच जोधाराम जी, ठीक है बने सर, रहिए जिस भी ग्रुप में हैं आप,
अगर क्लासेस करना चाहते हैं तो आइए सीखिए, राहुल जी से भी बात कर लेते हैं। राधे राधे मैम, राधे 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 सर राधे जी, राहुल राधे जी। राधे सर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं तो एक तो एक जो टैरो कार्ड रीडिंग मैंने किया है अभी, ओके ये ओरेकल कार्ड जो है, एंजल कार्ड, ये भी मैंने और अभी मंगवा लिए हैं। मैं एक्चुअली दुबई में हूँ अभी। ओके मेरे को एक छोटी सी चीज पूछनी थी। मेरी कुछ पेमेंट मार्केट में स्टक है, क्या वो मुझे मिलेगी वापस? आप तो एंजल कार्ड रीडर आपके पास है ना, टैरो कार्ड मैंने अभी आप? मंगवाया। हाँ टैरो कार्ड है मेरे पास, मैंने मंगवाया है तो अभी टैरो कार्ड जस्ट। आपके पास है कि आपने मंगवाया है? मैंने टैरो कार्ड मिल गया मेरे को आपने सीखा है टैरो कार्ड्स? जी, ये जी मैम। हमारे टैरो के स्टूडेंट हैं सुरवीर अच्छा, और स्टूडेंट जी, पहले है। मैंने पहले भी टैरो का कोर्स किया हुआ है, उसके भी बाद किया। मेरे को उतनी डिटेल्स वहाँ पे नहीं सीख पाया, तो मैंने जो हमारी मैम है यहाँ पे, अरे मैम, मैंने उनसे सीख रहा हूँ अभी। हमारे प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं जी मैम, आप? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या एक एग्जैक्ट काम, हुआ है, पेमेंट कहाँ पे अमाउंट स्टक हुआ है? दुबई में ही पेमेंट स्टक हुई है, कोविड के टाइम में पेमेंट स्टक हुई थी। एक ह्यूज बिजनेस, अमाउंट है। हाँ इज इट अबाउट बिजनेस, बिजनेस? यस, एक ह्यूज अमाउंट है। मेरा कुछ पर्सनल मनी था, मेरा ही हार्डकोर मनी था जो तो व्हाट्स ए कोविड। कंप्लीट नेम, व्हाट्स ए कंप्लीट नेम? रोमेश कुमार अच्छा, वहां पे राहुल दिखा रहा है। निकनेम मेरा राहुल है। सी, यहाँ पे द गाइडेंस इज दैट देर आर चांसेस दैट द सिचुएशंस विल इम्प्रूव। नाउ दिस विल ओके नॉट कम ऑल ऑफ अ सडन। नाउ द आंसर इज दैट द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस, बट फॉर दैट आपको काफी सारी रेमेडीज भी करनी पड़ेगी टू गेट योर स्टक ओके मनी बैक। द लॉट ऑफ रेमेडीज, लॉट ऑफ रिचुअल्स दैट वी डू फॉर गेटिंग द स्टक मनी बैक। अभी दिवाली भी आ रही है, दिवाली में भी आप कोई अच्छे रिचुअल्स कर सकते हैं स्टक मनी के लिए। जब भी ब्रह्मांड में जब ऊर्जाएं बहुत स्ट्रांग होती है, जब नवरात्रि होती है, अष्टमी होती है, दिवाली होती है, तब इन दिनों में कुछ रिचुअल्स, बहुत पावरफुल रिचुअल्स किए जाते हैं पैसा वापस आने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर डिफरेंट रिचुअल्स आल्सो जो आप डेली प्रेयर्स कर सकते हो एंजल इन्वोकेशन द्वारा, कि प्रार्थना करके कि जो आपका स्टक मनी है वो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो सिचुएशन विल ओके इम्प्रूव, यस, सो देर आर चांसेस दैट यू कैन गेट योर मनी बैक। ओके बट देन यू हैव टू, व्हेन द इट सेज एज अ सिचुएशंस विल इंप्रूव करके जब ये कार्ड आता है, तो इसका यही अर्थ होता है कि इट इज ब्लाइंड नहीं है, मतलब अंधेरा नहीं है वहां। ओके, राइट। देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट योर मनी, बट अगेन हाउ हाउ एफर्ट्स, आप कितने एफर्ट्स, हाउ मच ऑफ द एफर्ट्स यू आर गोइंग टू टेक, आप कितना एफर्ट्स लेना चाहते टू गेट योर मनी बैक, आप कौन से रिचुअल्स, कितने रेमेडीज आप कर सकते हो जितना पॉसिबल हो सके, ताकि वो जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है या जो कंपनी आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो दे स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स यू। तो ये भी आपको ओके करना जरूरी है। बट देन यस, ओके देर आर चांसेस, बहुत काफी चांसेस ओके मैम, है। ओके, ठीक, चलिए, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। मैम, राहुल जी, थैंक मैं यू। आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि आपने एक अनदर प्लेटफॉर्म, सभी गुरुओं का भी सम्मान है और सभी टीचर्स का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आपको कुछ डिफरेंस लगा कि हमारा बहुत कोर्स ज्यादा और सर, उनके कोर्स में, अगर आप वो जेन्युइनली अगर फीडबैक देना चाहें? बिल्कुल सर। एक्चुअली मैंने पहले जहाँ पे कोर्स किया था, मेरे को जी काफी सीखने को मिला, बिकॉज मेरे लिए तो ये न्यू था फील्ड। जी 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 तो बट जब मैम के मैंने कुछ वीडियोस देखे थे आ रहे मैम के, तो जी काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में मैम ने कार्ड्स को रीड करना बताया, तो जी आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस कि लाइक मैं सीखूँ वहां से। तो उसके बाद मैंने सीखना स्टार्ट किया, और सीखने के बाद मुझे काफी अच्छा वहाँ पे लाइक लगा, वहाँ पे कार्ड्स को काफी डेप्थ से, काफी अच्छे से कार्ड को पढ़ पा रहा हूँ मैं। अगर कुछ क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ फ्रेंड सर्कल में, अभी तो क्लाइंट्स को ऐसे नहीं, फ्रेंड सर्कल में ही उनको कार्ड्स और उनकी प्रॉब्लम्स उनको बता रहा हूँ, तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, और काफी लाइक उनकी सिमिलर, लाइक उनकी लाइफ में जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, अननोन बंदे हैं मेरे लिए, मैं कुछ 10 साल से बाहर हूँ, तो उनकी वो सब चीज़ें, उनके सिमिलर उनकी लाइफ में वैसी सब चीज़ें हो भी रही हैं वहाँ, क्या बात है, क्या बात है, थैंक तो यू काफी अच्छा थैंक लगा। यू इसलिए मेरे को सीखने का काफी ज्यादा है, एक नई जी फील्ड थी मेरे लिए, तो मेरे लिए काफी अच्छे। अभी मैं न्यूमरोलॉजी भी सीख रहा हूँ, जी दूसरा जो है एक और कोर्स है वो भी मैंने करना स्टार्ट किया, तो होपफुली मैं मैम को भी देखता हूँ, काफी ज्यादा ओवरबर्डन हो गया हुआ मेरे बिजनेस को लेके एक्चुअली, तो काफी ज्यादा सीखने का, बट डेफिनेटली मैम का भी सीखने वाला हूँ।
थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। जी 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 थैंक यू सो मच सर ने हमारे साथ वैदिक का कोर्स भी ज्वाइन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपको बता दूं कि हमारा टैरो कार्ड का सुरभि मैडम जो लेती हैं वो 9999 का है, सर ने वो भी ज्वाइन किया है। अभी हमारी कल से एक वैदिक न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होने वाली है, वो भी 9999 की है, वो भी सर ने की है। और एक टैरो कार्ड करने के बाद सर को कॉन्फिडेंस आया। तो स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी कोर्स दिया जाता है, कोशिश यही की जाती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले, क्योंकि पैसा आप कोई डेज का नहीं देते हो, घंटे का नहीं देते हो, आप देते हो कंटेंट का। अंदर कितना आपको मटेरियल मिलता है, आप कितना अच्छा सीख पाते हो, कितने टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, अच्छा गुरु मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो चाहे मयूरा जी हो गई, चाहे चित्रा जी हो गई, पल्लवी जी हो गई, जितने भी टीचर्स हमारे पास है, आप किसी से कोई भी कोर्स करेंगे तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। और एक मैं और सूचना देना चाहूंगा, 2 दिन की हमने एक फ्री वर्कशॉप भी रखी है कल और परसों 7:30 PM पे, यही सेम आईडी पासवर्ड से चित्रा मैम आपको बताने वाली है करवा चौथ के रिचुअल्स और दिवाली पे आप क्या रेमेडीज करें। तो 2 दिन की ये बहुत एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है, उन दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, जिस प्रकार इसकी आपको रिकॉर्डिंग मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, उन दोनों क्लासों को आपको लाइव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पावरफुल रिचुअल्स है तो वो हम शेयर नहीं करना चाहते आम लोगों में, क्योंकि उसमें जो वहां रहता है ना उसी को समझ में आता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ने की कोशिश करें उसको। एक बार आज संडे का समय है तो हम थोड़ा ज्यादा लोगों के क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे, एक दो क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। कल से हमारा एक वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 9999 रुपए का है, जिसके अंदर आपको 5 कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं, जिसके अंदर मेडिकल न्यूमरोलॉजी रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको मिल रहा है, जीबू सिंबल का कोर्स मिल रहा है, वैदिक सतनाम स्विचवर्ड का कोर्स फ्री मिल रहा है, वो रिकॉर्डेड है। इसके अलावा आपको उसके अंदर मैडम उस मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी पढ़ाने वाली है। इस तरीके से लगभग 5 कोर्स आपको एडिशनल फ्री मिल रहे हैं और वैदिक न्यूमरोलॉजी का 12 दिन का कोर्स अलग से है। टोटल अगर आप दिन गिनेंगे तो लगभग 20-22-25 दिन हो जाएंगे उसके। तो 9999 रुपए के वो कोर्सेज हैं जो आपको एब्सोल्युटली बहुत बेहतरीन तरीके से मैडम पढ़ाती है, वो भी मिलने वाले हैं। बैंक डिटेल ये की यही रहती है और पेमेंट करने के बाद आपको 7665559566 पे शेयर करना रहता है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल 2 दिन की क्लासेस आ रही है, करवा चौथ और दिवाली के ऊपर, जो कि एब्सोल्युटली ब्लेसिंग है, उसका कोई चार्ज नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो आप लाइव लीजिए। तीसरा, ये 2 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर जो भी यूट्यूब व्यूअर्स भी देख रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को करवा चौथ है और इवनिंग का टाइम तो सभी लोग बिजी रहते हैं, तो ये 2 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। 9:01 पे इसका बेस्ट टाइमिंग रखा गया है, 1770 रुपये इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। और जो भी ये कोर्स ज्वाइन करेगा वो तो मैडम का जो नेक्स्ट कोर्स आ रहा है ओशो जैन कार्ड्स को लेकर, उसमें आपको एक हैवी डिस्काउंट की गारंटी हम देते हैं आपको। जो भी उस कोर्स की फीस होगी उसमें जो भी डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट के बाद भी जो भी एंजल कार्ड रीडर्स होंगे जो इसमें ज्वाइन करेंगे उनको एक हैवी डिस्काउंट हम देने वाले हैं। मैडम 2 क्वेश्चन और ले लूं? हाँ जी सर। चलिए एक क्वेश्चन ही ले पाऊंगा, निकिता अग्रवाल जी का। अनिल जी का हमने पहले ले लिया था एक, राधे राधे मैम, बाकी सबका कैमरा ऑन नहीं है तो हम नहीं ले पाएंगे। चलिए निकिता जी बोलिए। मैम ये हम एंजल कार्ड जैसे टैरो रीडिंग नहीं आती हो तो भी ये कर सकते हैं मैम? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा मैडम आपने, बहुत एक्चुअली बताइए। क्योंकि ना ज्यादातर देखा गया है कि टैरो रीडर्स इसको यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए जैसे मैंने पहले भी बोला था कि काफी टाइम ऐसे होता है कि हम हर कोई चीज नहीं सीख पाते, राइट? कभी कभी इंटरेस्ट नहीं होता है, कभी कभी हमारे मन नहीं करता है, कभी कभी हम कनेक्ट नहीं कर पाते। अब टैरो कार्ड्स भी होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, उनके अलग अलग जो कलर्स है, जो पिक्चर डिपिक्शन होता है, वो सारा पढ़ना समझना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो जाता, या अगर हम सीख भी लेते हैं तो राइट वे से हम गाइड नहीं कर पाते। तो ये वाले जो हमारे कार्ड्स है, जो एंजल कार्ड्स है, तो इन एंजल्स की एनर्जीज द्वारा इन कार्ड्स को एक तो पढ़ना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान पढ़ना है। इस हर एक कार्ड को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है ये आपको मैं डिटेल में सिखाऊंगी, और आप आपके क्लाइंट को इसके आंसर्स दे सकते हैं, उसके साथ तो रेमेडीज भी हम दे ही देंगे वो कुछ ना कुछ रेमेडीज, पर इनको पढ़ना बहुत आसान है एंड
ओनली आई वुड से द बेस्ट थिंग इज आप जब एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हो तो उनकी ऊर्जाओं द्वारा आपको जो आंसर्स मिलते हैं ना, तो आपके आंसर्स कभी गलत नहीं होते। क्योंकि मैं खुद इसको प्रोफेशनली यूज करती हूँ, तो जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते तो ये वाले कार्ड्स मेरे होते ही है यूज में, क्योंकि इवन तो मैंने राइडर वेट भी यूज करती हूँ लेकिन ये कार्ड साथ में रहते, तो काफी आंसर्स जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं इन कार्ड्स द्वारा भी मैं उनको दे देती हूँ और वो 100% सही होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस है, इनफैक्ट दूसरे कार्ड्स को भी आप किस तरीके से एंजल्स से कनेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको सिखाऊंगी। आप बहुत सारे डेक्स यूज कर सकते हैं मैम, कि एक ही डेक यूज करना है उसी से आपको कनेक्ट करने से नहीं होता है, बहुत सारे डेक्स यूज कर सकते हैं। तो एंजल कार्ड्स सबसे इजिएस्ट वे ऑफ आंसरिंग है, और आप खुद के लिए भी, अगर आप खुद की फैमिली के लिए निकालना चाहते हो आंसर्स या आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आप ये कार्ड सीख सकते हैं। ठीक मैम, है। मेरा एक क्वेश्चन था हाँ रीडिंग को लेके। जैसे कंसीव के लिए, जैसे बोलने से कंसीव करना चाह रहे हैं पर हाँ नहीं हो पा रहा है, उससे जैसे हमको इसमें मालूम चल जाता है क्या, देखिए, चलेगा अगर इसका आपके आंसर? पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, मेरे पास भी आते हैं, को काफी टाइम क्लाइंट्स आते हैं और वो कंसीव करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो होगे कि नहीं होगे, तो उसका हम जवाब उनको दे सकते हैं। और अगर उनका जवाब यस आता है तो आप उनको फिर अलग अलग रेमेडीज दे सकते हैं, या उनको एंजल्स के प्रेयर्स दे सकते हैं जो एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनको एंजल्स, कभी कभी अभी उनको फॉर एग्जाम्पल कंसीव होना है पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर कौन से माध्यम से वो कंसीव हो सकती है, तो ये एंजल्स द्वारा ही उनको गाइडेंस मिल सकती है, तो वो वाले प्रेयर्स हम उनको दे देंगे ताकि ये प्रेयर्स वो डेली करे, उनके साथ कनेक्ट कर पाए, या आप उनके लिए कर सकते हो, यू कैन चार्ज फॉर दैट ऑल्सो, जैसे मैं करती हूँ, बिकॉज क्लाइंट इतना कर नहीं पाता है तो फिर मैं क्लाइंट के लिए करती हूँ और उनको फिर उस तरीके से गाइडेंस दे देती हूँ कि आपको इस माध्यम से आप कंसीव हो सकते हो, और काफी टाइम मैंने देखा है कि वो जो जिस माध्यम हमने बताया उनको उसी माध्यम से उनके कंसीव जो था वो हो गया है। मुझे मेरे लिए देखना था मैम, क्या आप देख सकती हैं कार्ड्स द्वारा? ओके ये क्लास में मैडम, क्लास सिर्फ ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन नहीं हो जाएगा? यस नो। देख लीजिए मैडम, इसको एक्चुअली ये क्वेश्चंस कंसल्टेशन लेके लेते हैं तो अच्छा रहता है। चलिए मैडम बताइए आप। बता देती हूँ, यस नो बता देती हूँ, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप कंसल्टेशन ले लीजिएगा। ओके मैम। जब तक मैडम देख रही हैं मैं दो तीन चीजें बता देता हूँ। रेनू जी का बहुत बहुत स्वागत है, उनकी पेमेंट रिसीव हुई है, बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद मैडम आपका। उमा राजपाल जी बहुत बहुत स्वागत, और करुणा भूषण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। द आंसर सेज, आंसर ये बता रहा है कि अगर आप कोशिश करोगे तो होने के चांसेस हैं। ठीक है, आप कौन से माध्यम से आपको करना है वो अलग बात, हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट यस इफ यू वांट यू कैन ट्राई, देयर आर पॉजिटिव चांसेस है, आउटकम है पॉजिटिव आउटकम, आप ट्राई कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। मैं मैम वो कार्ड्स देख सकती हूँ जो उसमें क्या लिखा हुआ है? ओके मैम, थैंक यू सिचुएशन विल मैम। इम्प्रूव। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सो इम्प्रूव अपने आप नहीं होता है, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वी ऑल्सो हैव टू डू अदर, कुछ करना पड़ता है हमें तभी सिचुएशन इम्प्रूव होती है, बट यस देयर इज अ पॉजिटिविटी है, कुछ पॉजिटिव आउटकम हो सकता है, इसी के लिए आपको ये कार्ड मिला है, तो आप ओके मैम, कॉन्फिडेंट थैंक रहिएगा यू। और कोशिश कीजिएगा। ओके मैम, थैंक ओके, वेलकम। यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम मैं सबसे पहले आपको दो तीन चीजें बता देना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपके सामने ये नंबर है 7665595566। आप इसको सेव कीजिए और इस पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको वहां पर लेटर सूनर आंसर आ जाता है। तो यही एकमात्र नंबर है जहां पर आपको पेमेंट करने के बाद स्लिप को भी शेयर करना रहता है, कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी आपको वहीं पर पूछने रहते हैं, कुछ डिस्काउंट्स के बारे में बात करनी है तो भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स जैसा कि हम बताते हैं आपको कि हमारे पास लगभग 120 तरह के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है जो कि हम 6 मंथ के लिए देते हैं। उस उन कोर्सों की फीस के बारे में भी आप वहाँ इस नंबर पे
आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7666555956। कोई अर्जेंट काम है आप कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। और मैं जैसा कि मैडम कह रही थी कि टैरो कार्ड हमने नहीं सीखा है तो सीख सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑकल्ट साइंस जो होता है ये एक सामुद्रिक शास्त्र है। अगर समुद्र में जितना गहरे जाओगे ना आप, उतना आपको आनंद आएगा। समुद्र की लाइफ या ऑकल्ट की साइंस, आध्यात्म की जो लाइन होती है ना, उसके अंदर जितना आप डीप जाते हो उतना आपको आनंद आता ही आता है। मैं कहूंगा कि राइडर वेट टैरो कार्ड अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीम है, आपको सभी को करना ही चाहिए। लेकिन वहीं पर मैं ये भी कहूंगा कि कोई भी स्ट्रीम दूसरी की स्ट्रीम से कंपेयर मत कीजिए। हर एक चीज अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, हर एक चीज की विशेषताएं हैं, तो आपको किसी को कंपेयर मत कीजिए। ये बात जरूर है कि आपको सबको राइडर वेट तो करना ही चाहिए, लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर आपने राइडर वेट नहीं किए हुए हैं तो भी आप एंजल कार्ड कर सकते हैं, और सिर्फ एंजल कार्ड कर कर भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं, और ये भी अपने आप में कंप्लीट कंप्लीट आंसर देने वाली साइंस है। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और जो भी पेमेंट कर रहे हैं नाम उन्होंने लिखा है, अरुणिमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो भी कुछ भेज रहे हैं पेमेंट। करुणा भूषण जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा चलाएंगे अपना बुकिंग केस राधे राधे मैम, करुणा जी राधे राधे बोलिए, फिर से आ गए मैम। चलो आपकी और मेरी जोड़ी बहुत लंबी है, बहुत आगे जा रहे हैं, हमें बताइए। हाँ एक चीज करो ना मैम, जी, एक मिनट, एक क्वेश्चन आया है कि मैं एडमिशन तो लेना चाहता हूं लेकिन मेरे पास एंजल कार्ड तो 2 तारीख तक आएंगे ही नहीं, तो आप थ्रू आउट द क्लास, पूरी क्लास में अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैडम इस तरीके से पढ़ाएंगे आपको, आपको बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कार्ड की जरूरत है। वेरी फर्स्ट डे ही हम आपको लिंक दे देंगे, या आज अगर आप ज्वाइन करते हैं जैसे ही आप पेमेंट भेजेंगे हम आपको लिंक भेज देंगे कि यहाँ से आप मंगवा लीजिए, तो आप वहां से मंगवा सकते हैं। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख आपके पास आ जाएंगे, और बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस में चाहिए, पढ़ने के लिए किसी भी कार्ड की आपको आवश्यकता नहीं है। जी करुणा जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज। मैं पूरी क्लास मतलब देख नहीं पाई थी, मैं अटेंड नहीं कर रही थी। लास्ट लास्ट में ज्वाइन किया, मतलब कार्ड रीडिंग हो चुकी थी, खाली क्वेश्चन चल रहे थे। मेरे को ये पूछना था मैम कि इसमें यस और नो की कार्ड दिया है ना मैम एंजल्स के आप ओनली? हाँ, क्योंकि ये कार्ड वैसे मैंने सुना था कि यस और नो के ही कार्ड आते हैं, लेकिन फिर जैसे हमारा एक ग्रुप है, रेकी के ग्रुप है, उसमें जो हमारे साथ में जो है मैम वो भी सिखाती है, वो हर रोज एक कार्ड निकाल कर मतलब ग्रुप में डाल। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। अच्छा अनम्यूट करो ना मैडम, अनम्यूट करो ना प्लीज। अच्छा कंप्लीट गाइडेंस मिलती है मैडम इसके अंदर, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। आपने तो पेमेंट जमा करा दिया है ना आपने? हाँ, जी, बट स्वागत है आपका। करुणा जी होता है क्या, एक एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगी कि यस एंड नो इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एंजल्स के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए, बिकॉज गाइडेंस मिलना और एक बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है। जब हम किसी और को गाइड करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो उनको बताने वाले हैं कितना 100% सच है या सही है, ताकि वो क्लाइंट बाद में हमें हमारे पास वापस भी आने चाहिए और रीडिंग हमारी सही होनी चाहिए। और इसी के लिए इसका मेन फोकस तो ज्यादा रहेगा आपका एंजल्स के साथ कनेक्शन का, और इन कार्ड्स द्वारा आप उनके साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज आवर गोइंग टू बी आवर मेन फोकस। ठीक है, आंसर्स तो आपको मिलेंगे इनसे, उसमें डोंट डाउट अबाउट इट। ओके 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 नाइस। सर इनको आप ये दिवाली का भी हमारा था ना, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सो जो दिवाली की, अभी तो दिवाली आ रही कल है, मैडम, कल हमारे दिवाली का है, कल हम कर देंगे। अभी मैं आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा मैडम, आप मेरे को एक लिंक भेज दीजिए पर्सनल, ताकि जो लोग मांग रहे हैं तो मैं उनको भेज पाऊँ हाँ जी हाँ जी किस कार्ड सर, तरीके से वो खरीद सकते हैं और कौन से यस होते हैं। जी तो तुरंत भेज दीजिए। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि हमारी क्लासेस आ रही है 2 नवंबर से, ये 1 तारीख को करवा चौथ है, तो हमने इसको 2 नवंबर किया है। 2 नवंबर से हमारी ये क्लासेस आ रही है, 9:01 पे आ रही है, 1770 रुपये, 5 से 6 दिन की क्लासेस है, लाइव ऑन जूम रहेंगी, सर्टिफिकेशन आपको इसमें मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर 6 मंथ, पीडीएफ फॉर 1 ईयर,
और पेमेंट करने के बाद आपको 7665595 पे स्लिप को शेयर करना है और सीट को रिजर्व करना है। धन्यवाद राधे राधे सभी का। और जरा किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा कल सुबह 11 बजे तक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे टू ऑल। मैडम सेशन वॉज वंडरफुल एज यूजुअल, थैंक यू। बहुत मजा आया। थैंक यू, राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। राधे राधे मैम, राधे राधे सर, राधे 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 राधे।